हेलो टेलियस, कैसे आप सब लोग दोस्तों। यह हमारे वीडियो सीरीज़ का 7वां पार्ट है दोस्तों। इससे पहले मैं 6 वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूं, तो उम्मीद करूंगा कि वो वीडियो आपको पसंद आए होंगे दोस्तों। और इस वीडियो में मैं आपको टॉप 5 रीज़न बताने वाला हूं कि हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट बेस्ट क्यों होता है अपने सेगमेंट में। क्योंकि होटल में देखा जाए ना दोस्तों, तो सबको लगता है कि हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट बेस्ट नहीं होता, लेकिन मेरी माना जाए ना दोस्तों, तो हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट सबसे बेस्ट डिपार्टमेंट होता है। अगर आपको फास्ट प्रमोशन चाहिए, फास्ट करियर ग्रोथ चाहिए, तो उस पर्पस से देखा जाए तो हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट बहुत ही बेस्ट होता है। तो शुरू करते हैं इसका 5 रीज़न। पहला रीज़न आता है दोस्तों, पहला रीज़न सिंपली आता है कि हैक्टिक डिपार्टमेंट नहीं रहता है। हैक्टिक डिपार्टमेंट का मतलब ही रहता है दोस्तों कि चाव चाव नहीं रहता है। चाव चाव का मतलब ना कि सुबह आओ, अर्ली मॉर्निंग 8 बजे आओ, रूम अटेंडेंट हो आप तो ऊपर फ्लोर पे जाओ, मतलब शाम के 4 बजे तक आप अपना काम पूरा डन कर लो और उसके बाद घर पे चले जाओ, कोई भी इशू नहीं है। हाँ, ये है कि सुपरवाइज़र रहेंगे ऊपर, एग्जीक्यूटिव हाउसकीपर रहेंगे वहाँ पे, तो थोड़ा बहुत आपके रूम फिनिशिंग को चेक करने आते रहेंगे और आपको थोड़ा बहुत कमियाँ निकालेंगे, लेकिन उसके बाद कुछ चाव चाव नहीं है पूरे डिपार्टमेंट में। आप अपना चुपचाप से रूम अटेंडेंट हो, रूम पे जाओ, अपना रूम सर्विस दो, रूम क्लीनिंग करो और अपना काम करके निकल लो। 8 बजे आए, 4 बजे निकल लो, 4 बजे या फिर 5 बजे अपना चेकआउट कर लो और उसके बाद आप अपने घर पे जा सकते हो। तो ये बिल्कुल भी हेक्टिक डिपार्टमेंट नहीं है, आपको ज़्यादा वर्कलोड लेने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ यही है कि वहाँ पे रूम क्लीनिंग करना पड़ता है। दूसरा रीज़न बेस्ट होने का दोस्तों कि यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा पढ़ना नहीं पड़ता। बहुत ज़्यादा पढ़ना नहीं पड़ता का मतलब क्या होता है कि आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा लर्निंग नहीं लेना पड़ता, सिर्फ आपको केमिकल्स पते रहने चाहिए, रूम क्लीनिंग प्रोसीजर पता रहना चाहिए, बेड मेकिंग प्रोसीजर पता रहना चाहिए और भी थोड़े कुछ चीज़ें वो आपको पता रहना चाहिए, बस इतना ही रहना चाहिए। उसके बाद जैसे ही आप होटल में जॉब करोगे रूम अटेंडेंट के, एज अ रूम अटेंडेंट दोस्तों, तो आपको वहाँ पर नॉलेज गेन होता ही रहेगा। तो सोचते हो ना कि थ्योरी बहुत हार्ड रहता है, तो हाउसकीपिंग का थ्योरी कुछ भी नहीं रहता है। देखा जाए तो फर्स्ट ईयर में पूरा थ्योरी खत्म हो जाता है, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर में ना आपको एकदम डीपली पढ़ाया जाता है। डीपली का मतलब इंटीरियर का डिज़ाइन कैसा रहना चाहिए, एक्सटीरियर का डिज़ाइन कैसा रहना चाहिए, वो सब आपको पढ़ाया जाता है। और ज़्यादातर देखा जाए ना तो उसका यूज़ नहीं होता। अगर जब एकदम आप एग्जीक्यूटिव हाउसकीपर बन जाओगे ना, तब उसका थोड़ा बहुत यूज़ आता है, उसके अलावा कहीं यूज़ नहीं आता। तीसरा रीज़न है बेस्ट होने का दोस्तों कि आपको पूरा होटल ऑपरेशन का नॉलेज मिलता है। अब होटल ऑपरेशन का नॉलेज का मतलब क्या है दोस्तों, कि अगर आप नॉलेज गेन करने जाओ ना एज अ मतलब हाउसकीपर के रूप में, तो आपको F&B का भी नॉलेज मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे बैंक्वेट्स रहेंगे तो वहाँ का फंक्शन भी आपको वहाँ का नॉलेज भी गेन करने को मिलेगा। रूम अटेंडेंट का मिलेगा, फ्लोर पे गेस्ट से बात करने का वो वाला नॉलेज भी आपको गेन मिलेगा। उसके अलावा दोस्तों रूम सर्विस हो गए, जितने भी काम हो गए ना दोस्तों, हर एक जगह का आपको नॉलेज मिलेगा। तो तीसरा रीज़न भी बेस्ट है। अब फोर्थ रीज़न है दोस्तों करियर ग्रोथ। करियर ग्रोथ मतलब प्रमोशन। हाउसकीपिंग एक ऐसा डिपार्टमेंट है ना जहाँ पे आपको बहुत फास्ट प्रमोशन मिलता है। 2 साल आपने गेन कर लिया एक्सपीरियंस ना, 2 साल एज अ रूम अटेंडेंट, तो तीसरे साल आप रूम सुपरवाइज़र हो जाओगे, फ्लोर सुपरवाइज़र हो जाओगे, फ्लोर सुपरवाइज़र या फिर पब्लिक एरिया सुपरवाइज़र आप फिक्स हो जाओगे। तो आप इससे समझ सकते हो कि आपका सुपरवाइज़र बनना कितना आसान है। सुपरवाइज़र बनने के बाद आपको काम नहीं करना पड़ता, सिर्फ 9 घंटे की ड्यूटी, वो भी फ्लोर पे जाने का मन किया तो जाओ। कभी कभी एग्जीक्यूटिव हाउसकीपर आप पे भड़केगा तो ही जाओगे, नहीं तो आप नीचे डेस्क रूम से ही अपना सब काम संभाल सकते हो। तो ये बहुत ही बड़ी बात रहती है हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट में, और हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट लोग इसीलिए ज्वाइन करते हैं कि 2 साल का चाव चाव है, 2 साल के चाव चाव के बाद आप अपना मतलब शांति से पूरा आगे का करियर देख सकते हो दोस्तों। और इसमें करियर ग्रोथ में ये भी आता है कि अगर आपने एक बार नॉलेज गेन कर लिया ना हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट का, तो आप कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे आप बंदे भी हायर कर सकते हो, एक्वायर कर सकते हो कहीं दूसरा है सेक्टर, जैसे पब्लिक एरिया सेक्टर, जैसे मॉल्स हो गए, कमर्शियल सेक्टर हो गए, वहाँ पे भी आप काम कर सकते हो एज अ सुपरवाइज़र। और होटल के कंपेयरिंग में दोस्तों जो कमर्शियल एरिया के सुपरवाइज़र रहते हैं ना, उनका पेमेंट बहुत ज़्यादा रहता है, और इसमें पेमेंट यही रहता है, एक फिक्स पेमेंट रहता है, उससे ज़्यादा आपको नहीं मिलेगा। और सर्विस चार्ज थोड़ा सा ज़्यादा मिल के आता है, समझो 1000 से 2000 रुपये एक्स्ट्रा आपके पेमेंट में सर्विस चार्ज मिल के आएगा, उससे ज़्यादा नहीं आता। 5वां रीज़न आता है इसका बेस्ट होने का दोस्तों कि आप क्रूज़ पे जा सकते हो। जी हाँ दोस्तों, आप फॉरेन जाने का हाउसकीपिंग से सोचोगे तो आप सोचना है मत, क्योंकि ना फॉरेन वाले ना इंडियन को मतलब एकदम बैड हाउसकीपर में कंडक्ट करते हैं। बैड हाउसकीपर मतलब यहाँ का हाइजीनिटी आप देख सकते हो, लोग कैसे रहन सहन रहते ये सब जानते हैं फॉरेन वाले, कि इंडिया वाले उतना हाइजीन मेंटेन नहीं करते। तो उसके कारण ना दोस्तों वो ना ज़्यादातर हाउसकीपर को यहाँ से लेके नहीं जाते अब्रॉड में, तो उसी के कारण दोस्तों ज़्यादातर क्रूज शिप रहता है ना, तो वहाँ पे आप जा सकते हो। अगर आपने हाउसकीपिंग किया 2 साल बहुत अच्छे से किया, तो क्रूज़ पे जाने से आपको कोई नहीं रोक सकता। तो ये डिपार्टमेंट एक
बेस्ट होता है क्रूज पे जाने के लिए भी दोस्तों। अगर आपको क्रूज पे जाना तो 2 साल गेन कर लो, उसके बाद वहाँ पे डायरेक्ट सुपरवाइजर जाते हो। अगर सुपरवाइजर नहीं जाओगे ना तो एटलीस्ट सुपरवाइजर के नीचे जाओगे और आपको ज़्यादा मतलब घसना नहीं पड़ेगा। ये सबसे अच्छी बात होती है क्रूज में जाने के। बहुत लोगों को ना कि अगर थर्ड ईयर किया वहाँ उसके बाद डायरेक्टली वो लोग क्रूज में चले जाते ना तो उनको एकदम लोअर लेवल से घसना पड़ता है, तो वो काम आपको वहाँ पे नहीं मिलेगा। तो ये ध्यान में रखिएगा दोस्तों कि अगर आपने 2 साल का हाउसकीपिंग में नॉलेज गेन किया उसके बाद डायरेक्ट आप क्रूज पे जाओगे तो आपको एक अच्छा खासा पेमेंट और एक अच्छा खासा दोस्तों। हमारे 5 रीज़न हाउसकीपिंग बेस्ट क्यों है, अब आता है इसमें हमारा बोनस पॉइंट। तो मेरा बोनस पॉइंट यही है ना दोस्तों कि अगर आप हाउसकीपिंग में करियर बनाना चाहते हो तो आप करो। आप गंदगी से मत डरो कि गेस्ट टॉयलेट क्लीन करना पड़ेगा, हर एक चीज़ करना पड़ेगा, उतना ज़्यादा हेडेक नहीं रहता वो सब में। सिर्फ 1 से 2 साल आपको मेहनत करना पड़ता है, उसके बाद ना दोस्तों आपकी सुकून की लाइफ जिएगी। अगर आपने F&B ले लिया तो आप समझ लो कि 6 साल तक तो आपको घसना ही घसना है। आपने फूड प्रोडक्शन ले लिया तो उसमें भी 6 साल तक घसना ही घसना है, उसके बाद आपको थोड़ा बहुत सुकून मिलेगा। लेकिन हाउसकीपिंग और फ्रंट ऑफिस ऐसे डिपार्टमेंट है ना दोस्तों जहाँ पर आपको ज़्यादा घसना नहीं पड़ता, एक लिमिट में काम करना पड़ता है, उसके बाद आप अपने फैमिली को भी टाइम दे सकते हो, आप अपने घर पे भी जा सकते हो, हॉलीडे भी ले सकते हो, हर एक चीज़ इसमें मिलता है दोस्तों। तो उम्मीद करूँगा कि यह वीडियो आपको पसंद आए। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और साथ रहें दोस्तों। बाय बाय।